दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि यार दुनिया में हमें लगता है कि भाई हम ही हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में, और इसका नतीजा ये होता है हम सोचते रहते हैं यार क्यों खुदा ने हमें इतनी टेंशन दी है। हर वक्त हम खुदा से कंप्लेन करते हैं, हम बोलते हैं यार काश हम इसके जैसे होते, काश हम उसके जैसे होते, काश हमारे पास बहुत पैसा होता, काश हमें ज़हनी सुकून मिलता, टेंशन नहीं होता। देखिए स्ट्रेस और टेंशन हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी की लाइफ में थोड़ा कम है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में ये चीज़ नहीं है। आप इसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, कीप स्माइलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो ये नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई यार इतना स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, कुछ सही नहीं होता, ये वो दिन भर टेंशन ले, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लें। उससे क्या होगा, और ज़्यादा आपको टेंशन होती रहेगी, स्ट्रेस होता रहेगा। अगर आप टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं और इससे रिलीफ लेना चाहते हैं, तो फिर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें, ताकि आपको ये ख्याल आए नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं हो कि ये ख्याल आएँ। और अगर फिर भी आते हैं ख्याल, तो द बेस्ट वे इज़ टू इग्नोर, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बस आपको अगर ये चीज़ें आपके जहन में आती भी हैं, इग्नोर करें, इससे अपने आप को दूर रखें एंड बी हैप्पी, खुश रहें बस। बाकी और कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसका, स्ट्रेस का, टेंशन का, ठीक है ना, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का। तो बस ये चीज़ करनी है आपने, और इंशाल्लाह इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। चलें फिर मिलेंगे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।